हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जेई 2019 के लिए बहुत सारे डाउट आ रहे हैं रिगार्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी और आपका पीएच और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। हालांकि ये सब प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए था, क्योंकि 2018 एसएससी जेई का हो गया, एससीएचएसएल का हो गया, जब डीवी वगैरह चल रहा था तभी मैंने सर्टिफिकेट के लिए सब कुछ डाउट क्लियर कर दिया था। लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोगों को फॉर्मेट को लेकर या किसी किसी को सिग्नेचरिंग को लेकर कि भाई किसका सिग्नेचर होना चाहिए, किसी को आपका जो है जो स्टेट वाला और आपका सेंट्रल वाले में डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, तो सब कुछ जो है यहाँ पे आपको क्लियर किया जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद 2019 वाले जो एसएससी जेई वाले कैंडिडेट है जिनका डीवी आगे होने वाला है, तो उनको जो है यहाँ से सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो आप लोग देख लीजिए कि आखिरी रो का नोटिफिकेशन है 2019 एसएससी जेई का। मैं इसी से आपको दिखाऊंगा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपका डेट क्या होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। पहले तो चलिए जो कट ऑफ डेट रखा गया है सर्टिफिकेट का वो पहले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 7.2 नोटिस में अगर आएंगे आप और पेज नंबर भी देख लीजिए, 6 आपको यहाँ पर है, तो 7.2 को आप रीड कीजिए। ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट ही सी प्रोसेसेस द कस्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फेल इन क्रिमिलियर ऑन द क्रूशियल डेट। द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पज विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, डैट इज 12 सितंबर 2019। आप इसका अगर मीनिंग हम आपको बताना चाहें तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है जो ओबीसी का रिजर्वेशन लेंगे उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई आप 12 सितंबर 2019 से पहले क्रिमिलियर में नहीं थे। अब क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर दोनों आपका शब्द आते हैं, इसका मीनिंग क्या है? क्रिमिलियर देखिए जिनका सालाना इनकम या आप ईयरली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो वो क्रिमिलियर में आते हैं, और जिनका सालाना इनकम हो गया तो उनका 8 लाख से अगर कम है इनकम तो भाई वो जो है नॉन क्रिमिनलर में आते हैं। भले आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट, देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो कम्युनिटी बेसिस पे मिलता है। अब रिजर्वेशन आपको तभी मिलेगा अगर आपका इनकम जो है 8 लाख से कम है। अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन जो है आपका आपका इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। ओबीसी वालों का कम्युनिटी में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है लेकिन इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट मिलता है ज़्यादातर जो है नॉन क्रिमिनलरी लिखा होता है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये मत सोचिए कि आपका मेरा कौन सा वाला है मुझे पता नहीं है, अब इसमें नया डाउट मत क्रिएट कीजिए। मैं 90 जितना भी देखा हूँ 99% जो है नॉन क्रिमिनलरी सर्टिफिकेट होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है 12 सितंबर 2019 से पहले सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पे कह रहा है, और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि भाई उस टाइम पे आप क्रिमिनलर में नहीं आना चाहिए, ये भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है आज की डेट में भी सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है मान लीजिए 2010 में, 2012 में, 2015 में किसी ने बनाया हुआ है, तो उनको डाउट है कि भाई मेरा पुराना सर्टिफिकेट है मेरा सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं चलेगा, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए अगर आपने मान लीजिए जो 12 सितंबर 2019 से पहले जिन्होंने सर्टिफिकेट बनाया है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे 2015, 2014, 2012, 2011, 2010 में अगर आपने सर्टिफिकेट बनाया है तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोगों को जो है क्लियर मेंशन कर देंगे। हालांकि जो एसएससी का सेंट्रल रीजन जो है जो शायद आपका प्रयागराज में है, तो उसमें अगर आपका डीवी होता है तो भाई ओबीसी जिनका भी ओबीसी सर्टिफिकेट होता है चाहे डेट से पहले क्यों ना हो तब भी वो जो है प्रोबेशनली आपको मेंशन कर देते हैं। अब प्रोबेशन का मतलब ये नहीं कि आपको जो है कुछ रिजेक्ट वगैरह करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3 आपका वहाँ पर जो है रिमार्क होता है, देखिए जब एसएससी की आप डीवी में जाएंगे 3 रिमार्क होता है, एक तो होता है क्लियर यानी कि आपका सब कुछ सही है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड होता है प्रोबेशनल। प्रोबेशनल में क्या होता है कि हाँ चलो आपका कुछ जो है मिसिंग है, हालांकि देखिए जो जैसे कि बोला कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का डेट से पहले है तब भी आपको प्रोबेशनल करेंगे सेंट्रल जोन में, सब जोन में नहीं सिर्फ सेंट्रल जोन में इसे करते हैं हमने देखा है। तो प्रोबेशनल का मतलब है कि भाई देखो हमने तुम्हारा सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ हमें मिल चुका है लेकिन यहाँ पे कुछ जो अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है ओबीसी सर्टिफिकेट रिलेटेड वो डिपार्टमेंट जो है आपको वेरीफाई करके वेरीफाई यानी कि डिपार्टमेंट देखेंगे, डिपार्टमेंट में जब ज्वाइन करेंगे तब भी आपका डीवी होता है तो उस टाइम देखेंगे और उस टाइम जो है उसको वो लोग क्रॉस चेक करके क्लियर मेंशन करेंगे, तो ये डिपार्टमेंट के ऊपर वो छोड़ देते हैं। और तीसरा जो रिमार्क होता है वो है आपका रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब है कि भाई आपको जो है बाहर निकल दिया गया है, और ये तभी होता है अगर मान लीजिए कोई आपका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं हो या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास नहीं हो तभी जो है ये सब होता है, लेकिन रिजेक्ट का चांस जो है बहुत कम ही होता है, बहुत कम स्टूडेंट को जो है रिजेक्ट किया जाता है। अब देखिए ओबीसी का तो काम खत्म हो गया, अब बाकी का देखिए यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस के लिए कहीं पर भी आपको डेट मेंशन नहीं है, लेकिन अगर
अभी का जो नोटिफिकेशन आ रहा है एसएससी का, उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें साफ साफ जो है यही डेट को जो है वो लोग करते हैं, यानी कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन को जो है क्रूशल डेट बाकी सर्टिफिकेट के लिए भी करते हैं। और डीओपीटी का भी एक नोटिफिकेशन है, मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ लेकिन मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पर डीओपीटी में साफ साफ मेंशन है कि अगर मान लीजिए कोई भी सर्टिफिकेट का नोटिफिकेशन में लास्ट डेट या आपका क्रूशल डेट मेंशन ना हो तो वो क्रूशल डेट वही माना जाएगा जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वही डेट माना जाएगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर डाउट होने की कोई बात नहीं है भाई, बाकी सर्टिफिकेट के लिए भी 12 सितंबर 2019 से पहले सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर उसके बाद का होगा तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, आपको प्रोफेशनली एक्सेप्ट किया जाएगा। प्रोफेशनली मान लीजिए किसी का सर्टिफिकेट जो है आपका 13 सितंबर ने 2019 में बनाया है, यानी कि एक दिन बाद, तो तब भी आपको प्रोफेशनली एक्सेप्ट करेंगे। और प्रोफेशनल का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है एक्सेप्ट एक आपका ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का मैटर अलग है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ईडब्ल्यूएस वाले भी सिर्फ प्रॉब्लम हो सकते हैं, बाकी कोई भी चाहे एससी हो, एसटी हो, पीएच हो, आपका एक्सर्समैन हो और आपका ओबीसी हो, अगर प्रोफेशनल आपको मेंशन कर रहे हैं तो भाई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस में आपका प्रॉब्लम होता है, क्यों होता है वो आपको आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो ये तो गया आपका डेट की बात। अब मान लीजिए किसी का बहुत पुराना है, जैसे 2010 हो गया, 2011 हो गया, तो भाई तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तब आपको क्लियरली मेंशन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं। और देखिए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ओबीसी वालों के लिए आप लोग जो बोल रहे थे कि भाई अगर मान लीजिए डेट की बात का हो तो क्या होगा। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, यहाँ पर देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो कि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए है और एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में ये 2017 में दिया गया था। अगर इस लाइन को पढ़ेंगे तो इस लाइन में कहा गया था कि देखिए यहाँ पे 3 साल और 6 महीने के लिए एक जो है क्राइटेरिया होता था कि भाई आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और जब लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है उससे 6 महीने के बाद का जो है 6 महीने तक वो लोग जो है अलाउ करेंगे, उसके बाद का नहीं चलेगा। तो उसमें साफ साफ कह दिया था कि भाई आप जो है ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए कोई डेट के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए जो है जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो डेट के लिए तो बिल्कुल मत घबराइए कि अगर आपका अभी का सर्टिफिकेट बना हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आपका फॉर्मेट को मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो अब जो है ओबीसी को आपको दिखाऊंगा, उसके बाद जो है बाकी आपको एस सी एस टी भी आपको एक एक करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले एस सी और एस टी को ही मैं आपको दिखा दूँ। देखिए एस सी और एस टी का सर्टिफिकेट देखिए, फॉर्मेट से कोई मतलब नहीं है, फॉर्मेट देखिए सभी का जो है ऑलमोस्ट सभी का सेम होता है, चाहे स्टेट वाला हो चाहे सेंट्रल वाले हो, सबका सेम होता है। अब ये फॉर्मेट क्यों दिया है, अब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि भाई चलो मुझे फॉर्मेट पता नहीं चल रहा है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है ना वो सर्टिफिकेट को लेके और ए वाला इस पेज को प्रिंट आउट करके जो है आप जहाँ से अपने एससी और एसटी सर्टिफिकेट बनाया है उसी, यानी कि डीएम ऑफिस हो गया, एसडी ऑफिस हो गया, एसडीएम ऑफिस हो गया, तहसीलदार ऑफिस हो गया, जहाँ से भी आपने बनाया है उसी ऑफिस से फिर से आप ए फॉर्मेट लेके प्रिंट आउट करके इसमें साइन करवा सकते हैं, एक आपके पास ऑप्शन होता है, इसीलिए फॉर्मेट दिया गया है और कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट के पास कोई मान लीजिए वो एस सी एस टी से है, बिलोंग्स करते हैं, लेकिन उनका पापा का मम्मी का सर्टिफिकेट है लेकिन उनका पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो लोग जो है तुरंत बनाने के लिए ये सब फॉर्मेट यूज़ करके बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वाला आपका अगर दूसरा एस एस सी का जो फॉर्मेट है इसके अलावा का दूसरा आपके पास सर्टिफिकेट है वो वाला अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी सर्टिफिकेट आपका अलाउड है, बस आपका सिग्नेचरिंग अथॉरिटी जो है वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए नीचे यहाँ पर कहा गया है सिग्नेचरिंग अथॉरिटी कौन कौन साइन कर सकते हैं, देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, एडीएम, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो एसडीओ कहा जाता है और आपका एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तालुक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सभी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी, उसके बाद मजिस्ट्रेट प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रेसिडेंस। तो देखिए यहाँ पे जो है कहा जा रहा है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा मानना है देखिए सभी ऑफिसर को जो है आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं मोटे मोटे तौर से मैं बता देना चाहूँगा, डीएम सबसे ऊपर आते हैं, एडीएम, एसडीएम और एसडीओ,
ये चारों में से अगर किसी का भी आपके पास साइन है, एसडीओ देखिए बहुत सारी जगह पे तहसीलदार कहा जाता है, जैसे मेरे यहाँ पर भी मान लीजिए तहसीलदार और एसडीओ सेम ही होता है, बहुत सारी जगह पे तहसीलदार को और बीडीओ जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो सेम होता है, तो वो वाला नहीं चलेगा। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से आपने अगर बनाया है तो वो वाला नहीं चलेगा। DM, SDM, ADM और SDO ये सब का अगर है आपके पास सर्टिफिकेट तो वही सेंट्रल में आते हैं, भले ही आपका सर्टिफिकेट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ यूपी क्यों ना लिखा हो, क्योंकि देखिए वो तो लिखा होगा ना, क्योंकि आप उसी स्टेट से बना रहे हैं, वो लिखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा नहीं होगा। हाँ, तो ये बात के लिए आप लोग परेशान मत होइए, बस यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर जैसे फॉर्मेट है कि हाँ जहाँ जहाँ है ये सब जो है रेगुलेशन वगैरह है कि हाँ कौन से साल में कौन सी किसको ऐड किया गया है, तो ये सब रेगुलेशन जो है आपके यहाँ पे होना चाहिए, बस इसका एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं है। तो यही बात है एससी एसटी के लिए। अब चलिए ओबीसी की ओर बढ़ते हैं। ओबीसी वाले की अगर यहाँ पर आएंगे तो ओबीसी के लिए भी देख लीजिए सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो है सिग्नेचर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर, इससे आपको साइन करवाना पड़ेगा। एसडीएम एडीएम भी अलाउ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एसडीएम एडीएम और एसडीओ सबका जो है एसएससी अलाउ करते हैं, हालांकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होगा तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ओबीसी के लिए एक क्राइटेरिया आता है, ओबीसी का देखिए दो लिस्ट आता है, एक तो सेंट्रल लिस्ट आता है, एक स्टेट लिस्ट आता है। जैसे वेस्ट बंगाल की बात करूँ, जैसे बहुत सारे है कि आपका वेस्ट बंगाल में आपका ओबीसी में आते हैं लेकिन वो सेंट्रल में नहीं आते हैं, तो ये बात आपको कहाँ से पता चलेगा, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट करके अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और देखिए ओबीसी जो है आपको कम्युनिटी बेसिस पे मिलता है, आप लोग देख लेना, जो आप लोग का टाइटल वगैरह होता है, सब टाइटल वगैरह होता है, उसी के बेसिस पे मिलता है। तो आप कौन सी कम्युनिटी में है वो आप लोग पता कर लीजिए आपके घर वाले से, तो उससे आपको पता चलेगा आपका सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल वाला है या स्टेट वाला है। बाकी सिग्नेचर तो भाई इन्हीं का होना चाहिए, इससे नीचे वाला पोस्ट वालों का नहीं होगा। अब देखिए ईडब्ल्यूएस का भी सेम है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कन्फ्यूजन में है कि भाई यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है, तो वो वाला सेंट्रल में नहीं है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस सिग्नेचरिंग अथॉरिटी जो है यहाँ पर भी सेम है, डीएम एडीएम एसडीएम और एसडीओ या तहसीलदार जो भी है इसी में से अगर आपका है तो भाई आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा। अगर मान लीजिए देखिए, हालांकि ये तो होना नहीं चाहिए, बस यही क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर कुछ स्टेट, मुझे पूरा नॉलेज नहीं है इस बारे में, अगर कुछ स्टेट ने इसको चेंज किया है वो अलग बात है, हालांकि चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये वाला चीज़ लाया गया था, तो यहाँ पर तो चेंज करने का मुझे नहीं लगता कोई जो है ज़रूरत पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया जो है सेम होना चाहिए, यहाँ पे आपका फ़ोटो होना चाहिए और यहाँ पे जो है आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस वालों को क्यों प्रॉब्लम होगा, जैसे कि बोल रहा था कि मान लीजिए अगर किसी ने आज की डेट में बनाया है तो उसको क्यों प्रॉब्लम होगा, उनको अगर प्रोफेशनली एक्सेप्ट करेंगे तो भाई डेट से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आज की डेट में बनाया है, बस यहाँ पे जो है 2019-20 और यहाँ पे 2018-19 होना चाहिए। अगर ये वाला आपको क्लियर नहीं है क्यों होना चाहिए, तो भाई पिछले वाला वीडियो में मैंने यहाँ पर बताया था, सब कुछ क्लियर किया था, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर डिस्कशन करने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि देखिए फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, आपका ईडब्ल्यूएस देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई आपको इनकम के बेसिस पे आपको रिजर्व से मिल रहा है, ओबीसी का मैटर अलग है, वो कम्युनिटी बेसिस प्लस इनकम दोनों वहाँ पे क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ आपका इनकम के बेसिस पे मिल रहा है। तो भाई आप जिस साल में आपने फॉर्म फिलअप किया था तो वो तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई उस साल तक आपका इनकम जो है 8 लाख से कम था, आपका ज़मीन जो है कम था, तो वो तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा। आज की डेट में आप क्या है वो लोग नहीं देखेंगे, अब उस टाइम पर क्या थे वही देखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई डेट भले आज का क्यों ना हो लेकिन यहाँ पे जो है 2019-20 होना चाहिए और नीचे जो है 2018-19 होना चाहिए, ये आपका क्राइटेरिया है। अब क्यों है क्यों नहीं है वो मैंने पिछले वाला वीडियो में जो है बताया था। अब देखिए पीएच वाले कैंडिडेट के लिए कोई नहीं बताता है, अब चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए आपका सर्टिफिकेट जो है ये आपका जो है वेज वगैरह जो स्टूडेंट है उनके लिए है, यहाँ पे देखिए आप लोगों का ऊपर में फोटो होगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट एक नंबर होता है, यहाँ पे डेट लिखा होता है जिस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू होता है, नेम वगैरह यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पर देखिए लोकोमेट्री डिजिबिलिटी में वो मेंशन कर देंगे कितना आपका परसेंटेज वगैरह है, यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे, ऐसे करके जो है ए वाला फॉर्मेट आपका आप इसी से भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी है, हालांकि देखिए यहाँ पे जो है एक ही मेडिकल अथॉरिटी का सिग्नेचर है, लेकिन एक्चुअल अगर पीएच वाला सर्टिफिकेट देखेंगे वहाँ पे आपका जो है 3 डॉक्टर का जो है वो एक बोर्ड मीटिंग होता है, उस बोर्ड में जो है 3 डॉक्टर होता है, 3 डॉक्टर का इधर सिग्नेचर होता है, और यहाँ पे जो है उस हॉस्पिटल का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है या सुपरटेंडेंट होता है, जो आपका सिविल सर्जन होता है, वो लोग यहाँ पे साइन करेंगे और यहाँ पे जो 3 डॉक्टर का साइन होता है, एक क्राइटेरिया होता है। हालांकि अगर आपके पास वो वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो ये वाला फॉर्मेट से भी आप बना के डायरेक्ट ले जा सकते हैं, और अगर आपके पास 3 डॉक्टर का साइन है
और आपके पास जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर का भी साइन है तो आपका चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पर सेम चीज़ जो है, यहाँ पे फॉर्मेट ऐसे ही होना चाहिए, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे मल्टी डिजिबिलिटी अगर आप में है तो ये वाला फॉर्मेट होगा। और यहाँ पे जो है देखिए लास्ट में जो है आ रहे हैं ये वाला, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला भी शायद मल्टी डिजिबिलिटी है। और नीचे अगर आएंगे तो देखिए नीचे यहाँ पे, सॉरी, आपको जो है मल्टी डिजिबिलिटी नहीं, ये वाला जो है आप जो है इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी एज वगैरह है या एच एज वगैरह है वो जो है ए वाला सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, बस डॉक्टर साहब यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हाँ क्या क्या चीज़ है उसमें जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ए सर्टिफिकेट जो है देखिए सभी में जो है यहाँ पर एक ही जगह का साइन करने का ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं इस फॉर्मेट से तो बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो ऑलरेडी सर्टिफिकेट है वो वाला सर्टिफिकेट चल जाएगा। यहाँ पर भी डेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, भले आज का क्यों ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। एसएससी आपको अगर प्रोफेशनल एक्सेप्ट भी करते हैं डिपार्टमेंट आपको जॉब जरूर देगा, तो इसमें आप लोग टेंशन मत होइए। अगर अभी भी आपको डाउट हो रहा है तो भाई मुझे पर्सनल जो है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बताना कि क्या प्रॉब्लम है पीएच वालों का। मुझे जितना मुझे पता है मैंने बता दिया आपको कि फॉर्मेट जो है या तो ए होना चाहिए, ए तो आपका ओएज के लिए होना चाहिए मैंने बोला। उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो देखिए ए वाला आपका जो है मल्टी डिजेबिलिटी जो होता है उनके लिए, और अगर नीचे आएंगे तो ए वाला जो है आपका बी एच और आपका एच एच के लिए ये वाला आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उम्मीद है कि देखिए आपका सर्टिफिकेट का जो इशू है उसको यहाँ से आपको सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि देखिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट से कोई मतलब नहीं। मैं फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, आपका बस सिग्नेचरिंग अथॉरिटी सही होना चाहिए। सिग्नेचरिंग अथॉरिटी अगर सही है, सर्टिफिकेट का नंबर, सर्टिफिकेट का जो आपका कम्युनिटी बेस पे आप ओबीसी में आते हैं चाहे एससी में एसटी में आते हैं, वो वाला सब जो है सेंट्रल लिस्ट में आना चाहिए, बस इतना क्राइटेरिया है और कुछ नहीं। सर्टिफिकेट भले ही आपका फॉर्मेट जो है थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, उससे एसएससी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये मैं दावे के साथ में आपको बोल रहा हूँ। तो चलिए, उम्मीद है आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एसएससी